हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्सर्व ग्लोबल। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हमें पता है इस जो वीडियो को हम बना रहे हैं, इस वीडियो के लिए काफ़ी लोगों ने वेट किया है, बिकॉज ऑलरेडी वी स्टार्टेड यू नो टेकिंग इंटरव्यूज़ और लाइक वी स्टार्टेड हायरिंग ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो इन बुल्गारिया। सो बेसिकली गाइज, बुल्गारिया जो है इस कंट्री के बारे में बहुत लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे। सो गाइज, नाउ इट्स हाई टाइम कि जो बुल्गारिया कंट्री है वो शेंगेन को ज्वाइन करने वाली है बाय 31st of March। सो गाइज, बुल्गारिया कंट्री एंड रोमानिया कंट्री, ये दोनों ही कंट्री जो है ये शेंगेन को ज्वाइन करने वाली है। जब हम क्रोएशिया पे वर्कआउट कर रहे थे तब क्रोएशिया शेंगेन का पार्ट नहीं था, एंड देन क्रोएशिया शेंगेन का पार्ट बना, देन वहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी लोग घुसते गए, एंड आज क्रोएशिया भी काफ़ी ज़्यादा हाइप पे चल रहा है। एंड हाँ, रिजेक्शंस भी आ रहे हैं उसमें, क्योंकि अब उस लाइक टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं। सो गाइज, जो रोमानिया है एंड बुल्गारिया, राइट, ये जो है अभी शेंगेन को ज्वाइन करेंगे। एंड अगेन आई विल टेल यू गाइज, लाइक जब कोई कंट्री शेंगेन को ज्वाइन करती है, जब उनके बॉर्डर्स ओपन होते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उस कंट्री को। सो जब बॉर्डर्स ओपन होते हैं तब वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, एजुकेशन सेक्टर बढ़ता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ती है, लाइक डेवलपमेंट्स होते हैं। सो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस कंट्री में ऑब्वियसली बात है कि जो लोकल पीपल हैं वो उस लाइक स्किल या जॉब्स जो भी हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। सो उस चीज़ को फिल करने के लिए वो कंट्री जो है वो अदर कंट्री से लोगों को हायर करती है। वहाँ के जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है या कंसल्टेंसीज हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे वो बोलती है कि हमें ये लोग चाहिए, इस कंट्री से चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम फॉर दोज कैंडिडेट जो बुल्गारिया जाना चाहते थे, ठीक है। तो हम उससे पहले बुल्गारिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बुल्गारिया कंट्री जो है अभी शेंगेन का पार्ट बनने वाली है, एंड बुल्गारिया कैपिटल जो है वो है बुल्गारिया का, दैट इज़ सोफिया। सोफिया जो है उसका नेशनल कैपिटल है, और जो सोफिया है वो लार्जेस्ट सिटी है बुल्गारिया की, राइट। एंड अगर आप देखोगे जो मेनली जो बुल्गारिया है, ठीक है, वो साउथ ईस्ट यूरोप में है, लोकेटेड वेस्ट ऑफ द ब्लैक सी एंड साउथ ऑफ द डानूबी रिवर। ओके, बुल्गारिया इज बॉर्डर्ड बाय ग्रीस एंड टर्की टू द साउथ, मैसेडोनिया टू द वेस्ट, राइट, रोमानिया टू द नॉर्थ। सो कहना ये चाहता हूँ गाइस कि ये कंट्रीज जो है इनसे जो है ये बॉर्डर्स अपनी जो है बुल्गारिया शेयर करती है। ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, कंट्री छोटी है, लेकिन यस, वहाँ पर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। हाई लेवल जॉब्स मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ है दोस्तों। सो वहाँ पर जो है मीडियम एंड लो लेवल्स की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं। सो गाइस, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है इसका, बिकॉज अभी वी आर जस्ट वेटिंग कि इसका VFS जो है वो टेक ओवर करेगा या नहीं करेगा। सो गाइज, अभी तक तो जो VFS ग्लोबल है उन्होंने कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है कि बुल्गारिया का जो है वर्क वीज़ा, लाइक जो एम्प्लॉयमेंट डी वीज़ा है, उसका सबमिशन VFS ग्लोबल में होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइज, करेंटली वॉट वी हैव राइट नाउ इज जनरल वर्कर्स की वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, वो भी होटल्स में। कुक्स की वैकेंसीज़ हैं, आने वाले टाइम में वेटर्स एंड वेटर्स की भी वैकेंसीज़ हो सकती हैं। सो गाइज, जो भी इंटरेस्टेड है बुल्गारिया के लिए वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ रिज्यूम्स हमारे को मेल कर सकते हैं। जो भी हमारी मेल ID है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। एंड प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, इसका प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ शुरू होता है, देन एम्बेसी जो है कंट्री जो है वो हमारे को वहाँ से वर्क परमिट इशू करती है। आफ्टर गेटिंग द वर्क परमिट वी विल टेक अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसी, एंड एम्बेसी पे जा करके हमारे को विथ आवर ऑल डॉक्यूमेंट्स हमारे को सबमिशन कराना है। एंड इसमें जो प्रोसेस टाइम है, आफ्टर डूइंग सबमिशन जो टोटल इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है आपका 15 से 1.5 महीने, ओके, 15 days to 1.5 month के बीच में आपका जो है वीज़ा आपको रिसीव हो जाएगा। सो गाइज, यही है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है बुल्गारिया का। सो गाइज, फटाफट से आप क्वेरीज पे कॉल कीजिए, एंड अपने जो ड्रीम है आपका शेंगेन में एंटर करने का उसको फुलफ़िल कीजिए।
सो गाइज प्लीज़ वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करता है, सो गाइज यू हैव टू बी पेशेंस. लाइक अभी मैं बहुत ही काफ़ी टाइम से एक चीज़ देख रहा हूँ कि लड़कों के अंदर पेशेंस नहीं है. पेशेंस अगर आप नहीं रखेंगे गाइज, सो इट्स लाइक वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट प्रोसेस. आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर द टाइम आवर टीम इज़ गिविंग टू यू, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कन्फर्म ही है, राइट? बिकॉज वी आर गिविंग द लाइक द यू नो सर्टेन टाइम. सो टाइम इज़ लाइक मेनली जो टाइम है वो हमारे को कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट प्रोसेस. दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट वीज़ा, दिस इज़ अ वर्क वीज़ा. सो वी विल हेल्प यू गाइज, बट यू हैव टू बी पेशेंस अगर आप अपने लिए सीरियस हैं तो. सो गाइज थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है और हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए. सो गाइज आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके. थैंक यू सो मच गाइज़.